एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही इजी और इफेक्टिव कॉफी फेस स्क्रब और कॉफी फेस मास्क की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये कॉफी फेस स्क्रब एंड मास्क आपके स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। ये आपके सन टैन, फाइन लाइंस और रिंकल्स को बहुत ही इजीली रिमूव करता है और आपकी स्किन को ब्राइट, ग्लोइंग, फेयरर और टाइटन बनाता है। और अगर आपकी एज 20 या 25 प्लस है तो आपको कॉफी फेस स्क्रब और फेस मास्क को जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि कॉफी सेलुलाइट और सैगिंग स्किन को हटाता है और आपकी स्किन को टाइटन, ब्राइट, स्पॉटलेस और मच फेयरर बनाता है। तो सबसे पहले कॉफी स्क्रब को बनाने के लिए हमें चाहिए कॉफी। यहाँ पर मैं नेस्कैफे ब्रांड की कॉफी यूज कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड की कॉफी यूज कर सकते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट हमें चाहिए शुगर या चीनी। चीनी को मैंने थोड़ा सा पीस लिया है ताकि स्क्रब करते टाइम चीनी के ज्यादा बड़े पार्टिकल्स ना हो। और थर्ड और फाइनल इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल। और अगर आपके पास ऑलिव ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल या नारियल का तेल भी यूज कर सकते हैं। तो कॉफी स्क्रब को बनाने के लिए सबसे पहले एक कटोरी में एक चम्मच कॉफी लीजिए, उसके बाद उसमें एक चम्मच चीनी डालिए और लास्टली एक चम्मच ऑलिव ऑयल डालकर सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होममेड कॉफी स्क्रब रेडी है और इसको यूज करने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो चलिए अब देखते हैं कि होममेड कॉफी मास्क कैसे बनाया जाए। तो कॉफी मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कॉफी, फिर हमें चाहिए कर्ड या योगर्ट जिसको हम दही भी कहते हैं, फिर हमें चाहिए बेसन और लास्टली हमें चाहिए शहद या हनी। तो कॉफी मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में एक चम्मच कॉफी डाल लीजिए, फिर उसके बाद उसमें एक चम्मच बेसन डालिए, फिर उसमें एक चम्मच शहद या हनी डालिए और लास्टली दो चम्मच कर्ड या योगर्ट डालकर उसको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। सभी इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये मास्क बहुत ही स्मूथ और लम फ्री बने और इस मास्क में बिल्कुल भी गांठे ना हो। सारे इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपका होममेड कॉफी मास्क रेडी है और ये कुछ ऐसा दिखेगा और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक होनी चाहिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। आप इस होममेड कॉफी स्क्रब और मास्क को अपने फेस या अपनी फुल बॉडी पर भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले कॉफी स्क्रब को अपने फेस पर अप्लाई करिए, उसको जेंटली 2 से 3 मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज कीजिए। ये कॉफी स्क्रब आपके सन टैन, डार्क स्पॉट्स या लूज या सैगिंग स्किन को जेंटली रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा। 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करने के बाद आप इस स्क्रब को गुनगुने पानी से धो लें और फिर उसके बाद एक थिक लेयर इस कॉफी मास्क की अपनी स्किन पर लगाइए और उसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दें और जब वो अच्छी तरह सूख जाए तो उसे ठंडे पानी से धो लीजिए। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं फ्यूचर में बहुत सारी इजी और इफेक्टिव होम रेमेडीज देखने के लिए।